अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मौलाना जी के YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए शोहर को अपने काबू में करने का ताबीज़ लेकर आए हैं, जिसे करने के बाद अगर आपके शोहर आपके काबू में नहीं है, आपके शोहर आपका कहना नहीं मानते और आपको ऐसा शक है कि आपके शोहर का कोई बाहर किसी गैर औरत से संबंध चल रहा है, यानी कि आपके शोहर आपको धोखा दे रहे हैं, तो घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने शोहर से सच्चा प्रेम करती हैं, सच्ची मोहब्बत करती हैं और आप चाहती हैं कि आपके शोहर बाकी सभी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपकी बात माने, आपके काबू में रहें, तो आप इस ताबीज़ को ज़रूर करके देखें। दोस्तों, विधि बताने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली और भी ऐसी वीडियोस की जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। सबसे पहले आपने अपने शोहर का नाम एक कोरे कागज पर लिखना है लाल रंग से और फिर उसको अपनी मुट्ठी में कैद कर लें, यानी कि बंद कर दें। अपने सामने कांच का ग्लास लें और उसके अंदर आधा पानी, और फिर दोस्तों अपने मुट्ठी में जो कागज है उसे आपने 5 आयतों के साथ पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 5 आयतें पढ़नी है और फिर आपको एक बार मुट्ठी खोलकर वह कागज़ देखना है। ऐसा आपको 5 बार करना है। ऐसा करने के बाद आपने इसको पानी के अंदर रख देना है। जी हाँ दोस्तों, आपने इसको एक दिन के लिए पानी के अंदर रख देना है और फिर अगली सुबह आपने यह पानी सारा अपने घर के बाहर डाल देना है और उसमें से जो सामग्री आपने डाली थी वह सामग्री निकाल कर आपने अपने शोहर के सिरहाने के नीचे रख देनी है। दोस्तों, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका शोहर खुद ब खुद आपके काबू में हो जाएंगे। आप जैसा कहेंगे वैसा करने को तैयार रहेंगे। यदि इस ताबीज़ को करने में कोई भी दिक्कत या समस्या आती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके मंशानुसार काम नहीं हुआ, दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो बिना देर किए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे मौलाना जी से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने समस्या का समाधान जान सकते हैं। तब तक लिए दोस्तों, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।